फरीदाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ होने की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस और बदमाशों की इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि इस मसले पर अभी पुलिस की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। ग्रेटर फरीदाबाद के बीपीटी इलाके में गुरुवार की रात लगभग 9:30 बजे एक वैन में 6 युवक सवार थे। इस दौरान पुलिस ने वैन में सवार आरोपियों से पूछताछ के लिए रोका तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाब भी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लग गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू कर लिया है, बाकी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भेजा गया है। ये कल करीब 9:30 बजे के आसपास की घटना है। हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सीपी साहब जो राकेश आर्या जी और डिस्ट्रिक्ट क्राइम के निर्देश पर हमारी सीई पेट्रोलिंग पर थी। 78 सेक्टर है हमारा पीटीपी एरिया में। वहाँ पर जब हमारी क्राइम ब्रांच पहुँची तो एक गाड़ी खड़ी थी, इको वैन, उसमें 5-6 बदमाश थे। जो 3 बाहर खड़े थे, 2-3 अंदर बैठे थे। जैसे हमारे पुलिस ने जाके सीई ने पूछा कि भाई आप यहाँ कैसे खड़े हो, उनको जैसे पता लगा कि ये पुलिस है, उन्होंने तुरंत हायर कर दिया, जिससे हमारे एक हेड कांस्टेबल सुमित है जो क्राइम ब्रांच का, उसके पेट में गोली लगी। और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में हवाई फायर करते ही उनको सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया और वो फायर करते रहे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अपना फायर किए तो जिससे उसको 3 आरोपियों को भी पैर में गोली लगी है। बाकी जो 3 आरोपी थे जो गाड़ी में थे वो गाड़ी लेकर फरार हो गए। कितने गाड़ी में बंदे थे और ये घटना कहाँ पर हुई थी और कितने राउंड चले थे?